करेंगे रायपुर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मैराथन बैठक ली है। प्रदेश कार्यालय में करीब 7 घंटे बैठक चली है। बैठक में चुनाव की तैयारियों पर सवाल हुए, पूछा गया कि चुनाव के लिए कितने हम तैयार हैं, 90 सीटों पर कैसे जीतेंगे, कैसे फतह हासिल की जाएगी, ये सवाल पूछे गए। परिवर्तन यात्रा कार्यकर्ताओं की फीडबैक पर भी चर्चा हुई है। तो 7 घंटे तक मैराथन बैठकों का दौर हमें देखने को मिला है। बीते रोज बीजेपी खेमे में हलचल काफी ज्यादा तेज रही, क्योंकि 2 दिग्गज मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तो देखिए, जल्द बीजेपी की दूसरी सूची भी सामने आ सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नाम लगभग तय है, ऐलान बाकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 30 सितंबर को यानी कि कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, बिलासपुर वो पहुंचेंगे। परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई है बैठक में। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता गौरव शुक्ला लाइव जुड़ गया है। गौरव, व मैराथन बैठकों का दौर हमें देखने को मिला, 2 दिग्गज की मौजूदगी में रणनीति तैयार की गई है, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 7 घंटे ये बैठक चली है और बैठक काफी अहम थी चुनाव के मद्देनजर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के मद्देनजर ये काफी अहम थी। बैठक की यदि हम बात कर ले तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष की उपस्थिति में ये बैठक हुई है, जिसमें सीधे तौर पर सवाल किया गया है कि चुनाव के लिए कितनी तैयार है बीजेपी और किस तरीके के फीडबैक जो हैं वो आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, कैसे वो चुनाव पे उतरेंगे। और जो पिछले दौरे में अमित शाह ने टारगेट दिया था और टास्क दिया था, उसके टास्क को भी लेकर जो है बातचीत हुई है। खास बात यह है कि जो दूसरी सूची आनी है उस पर भी चर्चा हुई है, तभी 69 सीटों पर जो है एक एक नामों पर सहमति बन गई है और अब उसे केंद्रीय चुनाव समिति जो है उसके ऊपर छोड़ दिया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति उसको हामी भरेगी और उसके तुरंत बाद जो है दूसरी सूची भी जल्द जारी हो जाएगी। इसमें एक बात और निकल के आ रही है कि जो दूसरी सूची जारी होगी उसमें संघ का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, मतलब संघ के भी अनुसार जो प्रत्याशी है उनके नाम उसमें शामिल हो सकते हैं, संघ से जुड़े लोग भी जो है इस बार प्रत्याशी जो है मैदान में उतरेंगे। तो ये दो प्रमुख बातें थी। और वहीं यदि हम बात करें तो जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही थी, जिसका समापन कल बिलासपुर में होना है, प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल होंगे, तो आगे किस तरीके से उसे ले जाना है और उसके फीडबैक जो है पूरी तैयारी घूमी है, फीडबैक यात्रा करी है, जो उसे लेकर भी पूछा गया है कि उसके फीडबैक किस तरीके से रहा था, जनता और जो पार्टी के लोग हैं वो पार्टी के लिए कितना समर्थन में दिखे और कितना उत्साह जो इस पूरी यात्रा में था वो देखने को मिला। तो कुल इस मिला के इस तरीके का जो है वो बैठक में सार निकल कर आया जी। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि फीडबैक लिया गया है, तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, घोषणा पत्र को लेकर भी क्या कोई जानकारी है? क्योंकि मैनिफेस्टो जो होता है किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होता है, उसको लेकर भी क्या कोई चर्चा हुई है बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए जब भी मैनिफेस्टो को लेकर हमने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से बात की है, चाहे प्रदेश प्रभारी या चुनाव प्रभारी जो है ओम माथुर, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखते जाइए बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो चौंकाने वाला रहेगा। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से राज्य सरकार जो है कांग्रेस की सरकार ने खेती और किसानी के लिए और किसानों के लिए जो काम किया है, चाहे वो समर्थन मूल्य की बात कर ले या फिर ऋण माफी की बात को लेकर कर ले, क्या बीजेपी उससे बड़ा कुछ घोषणा कर सकती, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन फीडबैक के लिए यदि हम बोले, यदि घोषणा पत्र के लिए बात करें तो लोगों के बीच जाकर उनका सुझाव लेकर ये घोषणा पत्र बनाया जा रहा है। कल इसमें भी पूरी चर्चा हुई है कि घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों को रखना है और क्या मुद्दे तैयार कर लिए गए हैं, क्योंकि जैसे पत्र समिति जारी होती है दूसरी लिस्ट पर चर्चा की गई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए गौरव। चुनाव की दृष्टि से जो तैयारियां हुई है उन सबको लेकर विस्तार से बातचीत हुई है और हमारी परिवर्तन यात्रा अभी निकली है और परिवर्तन यात्रा से लेकर अन्य जो हमारी चुनाव की तैयारियां चल रही है उन सब के विषय में विस्तार से बातचीत हुई। सूची बहुत जल्दी आएगी।
3 अक्टूबर को जगदलपुर में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आम सभा होनी है, इन सब की तैयारियां और योजना रचना को लेकर बातचीत हुई है।